जहाँ पे आपको 15 मिनट में आईफोन सारा असेंबल करके मिल जाएगा, रिफर दिस फोन। एक रोबोट है और ये सीसीटीवी भी है। अगर सबसे ज़्यादा इन्होंने किसी कंपनी की ली है तो वो है एप्पल। एप्पल वॉच यहाँ पे आपको जगह जगह भरे हुए मिलेंगे। और मैंने, इन्होंने मुझे कुछ इसका 110 बोला था और मैंने इनसे बार्गेन किया 80 में। काफ़ी सारे आपको रिफर्बिश्ड फ़ोन मिलेंगे जो कि आपके सामने सामने आपको असेंबल करके मिलेंगे। यहाँ पे हर बॉडी के हर पार्ट के लिए आपको मसाज करने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से पार्ट टू में। और क्योंकि ये मार्केट इतना बड़ा है कि मुझे दो पार्ट्स में बनाना पड़ गया, सॉरी वीडियो लंबा होने के लिए, बट अमेजिंग है। यहाँ पे सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, आप बच्चों के लिए भी देखो ये सारे खिलौने। और ये नॉर्मल खिलौने नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं। इन सब में कुछ ना कुछ खासियत है जो कि नॉर्मल खिलौनों में आपको नहीं मिलेगी। मैं अभी तक सिर्फ एक बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर तक को मैं कवर कर पाई हूँ और इसमें फ्लोर भी कुछ 5 फ्लोर हैं। और ऐसी ऐसी बिल्डिंग इस जगह पे भरी हुई है, ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं है जो यहाँ आपको ना मिले। ये देखो आप, ये सारा यहाँ पे शूटिंग लाइट वगैरह की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ट्राईपॉड्स हैं। शूटिंग लवर्स के लिए, टिकटॉक लवर्स के लिए, जो कि अब अपने इंडिया में रहा नहीं बट यहाँ के लोगों के लिए। म्यूजिक लवर के लिए ये चीज़ अच्छी है कि आप म्यूजिक लगाओ और इसके ऊपर एडजस्ट आपको स्टिक से मारना है और बहुत ही प्यारी आवाज़ आएगी। ये यहाँ पे ये सारे सीसीटीवी हैं, कुछ कुछ तो ऐसे सीसीटीवी हैं जो बिल्कुल पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आप ये देखो, ये कितना क्यूट सा एक रोबोट है और ये सीसीटीवी भी है। मुझे लगता है इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे मुंबई में घर में किचन के लिए मुझे इसकी ज़रूरत है जो कि बहुत गंदा हो जाता है और बाद में पता नहीं चलता किसने कर दिया। कैमराज इतने तरीके के आते हैं, ये मैंने आज देखा। मतलब हर एक डिज़ाइन में, हर एक साइज़ में, हर एक गैजेट के लिए यहाँ पे कैमरा अवेलेबल है। मतलब आपको जैसा कैमरा जिस गैजेट में अटैच करना है वो मिलेगा यहाँ। कौन बोल सकता है कि इसके अंदर एक छुपा हुआ शैतान है जो आपकी हर हरकत को नोटिस कर रहा है। और ये तो छोटू बहुत ही क्यूट है, ये तो बच्चों को खिलौने के लिए भी हम दे सकते हैं। लेने के लिए तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें ले लूँ क्योंकि काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। लेकिन फिर वही है, मेरा लगेज भी ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने दो दो फ़ोन लिए, फिर ये मसाजर लिया और अभी मैं, मेरी चाइना की ट्रिप अभी देखे तो शुरू ही हुई है। फिर मुझे काफ़ी सारी फ़्लाइट्स यहाँ पे लेनी होंगी तो मेरा वेट ज़्यादा होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, महंगी पड़ जाएंगी ये चीज़ें मुझे, क्योंकि इनकी वजह से मुझे फ़्लाइट में ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ऐसा सामान है जिसे रखने के लिए आपके घर में जगह नहीं है तो ये आप क्यूट सा स्टैंड ले सकते हो जस्ट उस सामान को टांगने के लिए। काफ़ी फनी सा है ना, मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए एक और छोटी सी चीज़ उसे टांगने के लिए ले ले। अगर सबसे ज़्यादा इन्होंने किसी कंपनी की ली है तो वो है एप्पल। एप्पल वॉच यहाँ पे आपको जगह जगह भरे हुए मिलेंगे और इतनी परफेक्ट, इतनी बारीकी से इन्होंने काम किया है कि वो बिल्कुल भी आपको कॉपी नहीं लगेगा। अगर आप लगा के चलोगे तो शायद ही कोई उसे पकड़ पाए कि वो एप्पल वॉच नहीं, डुप्लीकेट कॉपी है। एप्पल की ले ली है इन लोगों ने, गंदे वाली। यहाँ पे पता नहीं कितने लोग हाथों में लगा के अगर एप्पल वॉच चल रहे होंगे तो वो कॉपी होगी मुझे लगता है, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है अगर पहचान में ही ना आए, इस तरीके की कॉपी मिले तो। और यहाँ पे दुनिया भर की पता नहीं कितने सारे वैरायटी की वॉकी टॉकी है जो कि अपने किसी काम का नहीं है, तो इसे देख के मुझे कोई लालच नहीं आ रहा। एप्पल का मस्त सा एक कॉपी इन्होंने चार्जिंग का भी बना रखा था, वो जो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो जो अलग से जिस पे रख के फ़ोन चार्ज होता है, और वो इन्होंने बोला 65 और बोल रहे ओरिजिनल है 65 में, मतलब कुछ 700-750 रुपये में ओरिजिनल, वो इम्पॉसिबल है कहीं फ़ोन की वाट ना लग जाए। बट जो भी हो, मार्केट बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आ रही है ये इतनी सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने के लिए। बट डर भी लग रहा है क्या ओरिजिनल क्या डुप्लीकेट। कुछ एयर प्योरीफायर है जो कि कितना प्यारा लग रहा है। अभी मैं इसका प्राइस पूछती हूँ, हाउ मच?
110. तो इसकी लाइटिंग भी चेंज होती है and this is battery not together. Then how it start charge no with electricity it start with electricity or what इलेक्ट्रिसिटी शायद ये मुझे बोलना चाह रही है कि इसमें फ्रेगनेंस में डालूंगी तो ये अच्छी सी खुशबू भी आएगी और नो डिस्काउंट हाउ मेनी पीस तो अभी मैंने इन्होंने मुझे कुछ इसका 110 बोला था और मैंने इनसे बार्गेन किया 80 में पता नहीं मैं इतने सामान कैसे ले जाऊंगी बट पसंद आ गया मुझे मेरा मन कर रहा है इसे लेने का तो मैंने 80 में ये ले लिया थैंक यू तो एक के बाद एक मैंने दो खरीद लिया और दो हांगकांग में दो फोन्स खरीदे तो इतने सारे हो गए पता नहीं क्या हो गया मुझे इंडिया से मैं ये सोच के निकली कम से कम लगेज रखूंगी लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे एक्चुअली मुझे ये लास्ट टाइम में लेना चाहिए था चाइना में एंटर करते ही मैंने ले लिया मेरे लगेज बढ़ा दिया मैंने बट मुझे लगा पता नहीं ये सेम चीज़ मिले ना मिले दिल आ जाता है ना फिर मन नहीं करता छोड़ने का बट अब जितना हो सके मैं कंट्रोल करूँगी क्योंकि लगेज वेट ज़्यादा हो जाएगा मेरा 3 घंटे मुझे इस बिल्डिंग में लगे और उसमें भी मैंने पूरा कवर नहीं किया मैं सिर्फ 3rd फ्लोर तक गई जबकि ये 5th फ्लोर तक है और बाहर निकलते ही आप देखो कितना बड़ा मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉनिक से भरे हुए हैं ऐसा लगता है जैसे अमेरिका की वो सिलिकॉन वैली है ना बिल्कुल वैसी जगह पे आ गए हैं ये चाइना की सिलिकॉन वैली है मतलब आप देखो ये चारों साइड में आप देखो ऐसा कहीं से भी लग रहा है 40-50 साल पहले ये सिर्फ फिशिंग के लिए जानने वाली एक कंट्री एक स्टेट हुआ करती थी जो कि आज इतनी डेवलप हो चुकी है अभी तक मैं अगर चाइना की मैं फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करूँ ना तो मतलब माइंड ब्लोइंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है मुझे ऐसा लगता था दुबई या सिंगापुर ऐसी सारी सिटीज़ बहुत हाईटेक है बट नहीं हाईटेक सिटी क्या होती है ये चाइना आके पता चला मुझे शॉपिंग इतनी ज़्यादा हो गई वज़न इतना ज़्यादा हो गया कि अब मुझे वापस से हॉस्टल जाके ये सारा रखना पड़ेगा और फिर वापस आना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो दिन ख़त्म नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने जैसा तो फिर आऊँगी मैं यहाँ से सिर्फ कुछ ही दूर पे एक फ़ोन का बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे आईफोन और भी बहुत सारे फ़ोन आपको सिर्फ 15 मिनट में सामने सामने 15 से 20 मिनट में असेंबल करके मिल जाते हैं और जिसे कि रेफरलिस्ट फ़ोन कहते हैं लेकिन लैंग्वेज की बैरियर इतनी ज़्यादा है कि लोगों को कैसे समझाऊं कि मुझे कहाँ जाना है ये समटाइम्स मेरे लिए ना सर दर्द हो जाता है कसम से यहाँ पे मैंने लोगों को इतना ज़्यादा डिसिप्लिन देखा कि अगर वो स्मोक भी कर रहे हैं तो सिगरेट ला के एग्जैक्टली सिगरेट के इसमें डाल रहे हैं कहीं इधर उधर नहीं डाल रहे इसलिए आप देखो सारी चारों तरफ आपको इतनी सफाई दिखेगी एक ज़मीन पे कुछ ऐसा गिरा हुआ नहीं दिखता मुझे आके 3-4 घंटे बीत चुके हैं लेकिन मैं तब से देख रही हूँ साफ़ सफाई का काम कंटिन्यू चल रहा है मतलब इतने फोर्स का पानी है ये कि झाड़ू और पोछा दोनों का काम एक साथ कर देता है ये जो आप देख रहे हो ब्रैकेट्स बने हुए जो मतलब डस्ट इसमें है उसे भी ये अंदर पुश कर देता है मतलब ज़मीन पर नहीं रहता नेक्स्ट लेवल की सफाई है हैट्स ऑफ डस्टबिन भी आप देखो ऐसा चमक रहा है जैसे कोई 5-स्टार होटल हो अब हम लोग चलते हैं उस मार्केट में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था आईफोन जहाँ पे आपको 15 मिनट में आईफोन सारा असेंबल करके मिल जाएगा रिफर्बिश्ड फोन यहाँ पे काफ़ी सारे आपको रिफर्बिश्ड फोन मिलेंगे जो कि आपके सामने सामने आपको असेंबल करके मिलेंगे ये आप देखो यहाँ पे ये शायद से 13 Pro Max है और ये 12 है और ये सारे है जो कि यहाँ पे सारे ऐसे खुले पड़े हुए हैं जो आपके सामने सामने आपको ऐसे कस के
विद इन 15 मिनट आपको फोन रेडी करके मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेकेंड हैंड फोन्स भी मिल जाएंगे जिस भी कंपनी के आपको चाहिए। और वहाँ पे आप देखो वो पूरे कसाई हो रही है फोन की। बिल्कुल भी ऐसे ओरिजिनल फोन लग रहे हैं। एक बार पूछ के देखती हूँ शायद ये ओरिजिनल ही हो। एक्सक्यूज मी, इज दिस ओरिजिनल फोन? What's the price for 14 Pro 256 GB? It's brand new or used? Second hand. तो सेकेंड हैंड फ़ोन की प्राइस कुछ 6320 RMB है। इसे आप कैलकुलेट कर लेना। फ़िलहाल मैं अभी अंदर जाके और थोड़ा लुक अराउंड करती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे मैकबुक्स आपको मिलेंगे, ये सारे भी रिफर्बिश्ड है। ये बिल्कुल इस तरीके से पैक करके आपको मिलेंगे कि आप पकड़ नहीं पाओगे। बेसिकली ये सारा होलसेल का मार्केट है। यहाँ पे अगर आप एक पीस लेने जाओगे तो प्राइस इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना कि आपको होलसेल में लेने में मिलेगा, मतलब कि बल्क में लेने में मिलेगा। जो कहीं भी होता है, किसी भी होलसेल मार्केट पे अगर आप बल्क में लेते हो तो प्राइस डिफरेंट होता है, एक पीस लेते हो तो प्राइस डिफरेंट होता है। यहाँ से एक लेती हूँ तो ये मुझे 75 में आएगा, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है, बट पता नहीं लॉन्ग लास्टिंग होगा या नहीं। और अगर मैं दो लेती हूँ तो 70 में आएगा। ओके, 70, 71, 40। एंड देयर इज अ वारंटी, इट विल नॉट वर्क देन इट्स गुड क्वालिटी। We only like this model. Mm-hmm. This massager only for hand? No, for bag. Oh, for yeah. Bag. Okay. तो ये जो आप मसाजर देख रहे हो ये एक्चुअली बैक के लिए है और काफ़ी गरम गरम सा ये फील आ रहा है, मतलब लिटरली कोई इंसान मसाज करे बिल्कुल वैसी फीलिंग आएगी। इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है क्या क्या चीज़ें हैं ये। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मन कर रहा है हाथ इसी पे रखूँ। तो जो वो आंटी ले रही हैं वो भी आप देखो कुछ घुटने का मसाजर है मस्त, वो भी गरम गरम करके मसाज करता होगा। ये पूरी शॉप ही मसाज की है, यहाँ पे हर बॉडी के हर पार्ट के लिए आपको मसाज करने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। सामने ही मुझे एप्पल स्टोर दिखा और मैंने सोचा कि जाके ज़रा प्राइस चेक करते हैं। हांगकांग का तो प्राइस मैंने आप लोगों को बताया, अभी चाइना में भी प्राइस चेक करते हैं एप्पल का। हांगकांग से सस्ता है या हांगकांग जितना ही है या हांगकांग से महंगा है ये जान लेते हैं। क्या मस्त से इन्होंने ये साइकिल लगाई है। उधर आप देखो ऐसे ग्रीन कलर वाली साइकिल है सारी भी, इधर येलो कलर की साइकिल है, और इधर आप देखो ये सारे स्कूटी एक लाइन से, मतलब हर चीज इतनी सिस्टमैटिक है ना। चलते टॉयलेट ढूंढते ढूंढते आई यहाँ पे। टॉयलेट तो आप देखो कितना क्लीन है, ये पब्लिक टॉयलेट इस मॉल के अंदर। लेकिन एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, इंडियन टॉयलेट। यहाँ पे ये सारे इंडियन टॉयलेट है, और ये पूरी तरीके से इंडियन भी नहीं है, ये इंडो वेस्टर्न है, मतलब यहाँ पे जेट का कोई सीन नहीं है, ये लोग भी यूज़ कागज़ ही करते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं होटल, और नहीं हम लोग नहीं, मैं जाती हूँ होटल। और आप लोग करो ये वीडियो लाइक, अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताओ जो भी चीज़ें अच्छी ना लगी हों ताकि मैं उस पर और वर्क कर सकूँ। चलो बाय।